हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हो? वेलकम टू इन्फोटेक ऐप। इन्फोटेक ऐप चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर में कुछ इन्फॉर्मेशन। यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है उसके ऊपर में आपको जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, वो किस तरीके से करना है, और इस वेबसाइट के ऊपर में कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, उसकी पूरी जानकारी देखने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों, बेसिक इन्फॉर्मेशन और वेबसाइट की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम बताएंगे, जहाँ पे हो सकता है कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी लगे, लंबा लगे, बड़ा लगे। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरना है तो आप जो है इस वीडियो को आधा पास कर आगे से देख ले, ताकि आप सिर्फ फॉर्म भर सके कि इस तरीके से आपको जो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऊपर में ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप करना है। तो दोस्तों, देखते रहिए इस वीडियो को। और अगर दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है बस, क्योंकि यहाँ पे दी जाती कुछ खास इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर से रिलेटेड होती है, मोबाइल से रिलेटेड होती है, और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की अनबॉक्सिंग भी हम यहाँ पे करते हैं। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पर कंप्यूटर पर कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है क्या और उसके ऊपर कौन कौन सी फैसिलिटी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इस वेबसाइट के बारे में जान लेते हैं। scholarship.gov.in के ऊपर में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है उसके ऊपर में आपको स्कॉलरशिप और फेलोशिप दोनों मिलने वाली है, और ये जो है 2018-19 एकेडमिक सेशन के लिए अवेलेबल है। इसके अंदर में कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वेबसाइट का जो लुक है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर सेंटर की अगर स्कॉलरशिप देखते हैं तो सेंटर के अंदर में आते हैं माइनॉरिटी अफेयर्स स्कॉलरशिप, डिपार्टमेंट ऑफ जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी स्कॉलरशिप है, सोशल जस्टिस की है, लेबर एम्प्लॉयमेंट है, और उसके बाद में ट्राइबल स्कॉलरशिप है। इस तरीके से बहुत सारी स्कॉलरशिप हाई स्कूल वगैरह की स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलती है। यूजी स्कीम की अगर बात कर लेते हैं तो यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप होती है उसके अंदर में भी कुछ स्कीमें आ चुकी है, जैसे पीजी इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप है, पीजी जो है स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी के लिए स्कॉलरशिप है। उसके बाद में AICTE की अगर बात कर लेते हैं तो माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कॉलरशिप वहाँ पे मिलती है। प्रगति स्कॉलरशिप है, प्रगति स्कॉलरशिप जो है गर्ल्स के लिए अवेलेबल होती है, और ये गर्ल्स जो है अप्लाई कर सकती है, अभी जो है ये आना बाकी है। उसके बाद में है सक्षम स्कॉलरशिप होती है, सक्षम स्कॉलरशिप के बाद में सक्षम स्कॉलरशिप की पूरी डिटेल देखने के लिए आपको जो गाइडलाइन पे जाना होता है। उसके बाद में स्टेट लेवल की स्कॉलरशिप यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टेट लेवल की स्कॉलरशिप के अंदर में बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा, कर्नाटक और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलने वाली है, जिसकी भी डेट अभी आना बाकी है। सेंट्रल स्कॉलरशिप के अंदर में हम देखते हैं कि जनरली यहाँ पे जो स्क्रॉलिंग में चल रहा है 2018-19 के लिए स्कॉलरशिप ओपन हो चुकी है, अब वो स्कॉलरशिप के रिन्यूअल भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मेन जो है हम देख लेते हैं, सेंट्रल स्कॉलरशिप में माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कॉलरशिप या डिसेबिलिटी स्कॉलरशिप जो होती है, यानी किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसा कि अगर कोई बच्चा हैंडीकैप है तो उस हैंडीकैप बच्चे के लिए एक स्कॉलरशिप होती है, उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। उसके बाद में बहुत सारी स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एक छोटी स्कॉलरशिप जो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक की होती है। प्री मैट्रिक जो स्कॉलरशिप होती है वो होती है पहली से लेकर 10वीं क्लास तक, और 10वीं के बाद जो होती है वो है पोस्ट मैट्रिक। पोस्ट मैट्रिक के अंदर में 11वीं 12वीं के अलावा जो है जो भी ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं वो सारी स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल सकती है। तो सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अबाउट अस में दिया गया है कि ये जो स्कॉलरशिप पोर्टल स्टार्ट हुआ है इसका एक ही रीज़न है कि एजुकेशन को बढ़ावा देना है। सर्विसेज अगर यहाँ पे हम देख लेते हैं तो NSP मैनुअल दिया गया है, स्कीम एलिजिबिलिटी दिया गया है, लिस्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन दिया गया है, स्कीम फॉर स्टेट लेवल स्कॉलरशिप दिया गया है, यानी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती है। और यहाँ पे हम जो है इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, कंप्लायंस रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लेंट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद में ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन होता है। इस तरीके से इस वेबसाइट के ऊपर में आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर आपको किसी इंस्टीट्यूट का यूडाइज कोड अगर मालूम करना है तो हम सर्च इंस्टीट्यूट पे जाकर जो है उसका इंफॉर्मेशन वहाँ पे लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट स्टेट वगैरह, जैसा कि यहाँ पे हम ले लेते हैं महाराष्ट्र स्टेट के अंदर में हम जाते हैं डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट का हमको स्कॉलरशिप का जो है स्कूल का नाम देखना है, यूडाइज कोड देखना है, वो हम ले लेते हैं, स्कूल या कॉलेज वहाँ पे हमें सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे जो है स्कूल का नाम डाल देते हैं, और उसके बाद में ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे डाल देना होता है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है XUBRZU, और उसके बाद में गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ चुके हैं अंजुमन नाम के जितने भी यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में स्कॉलरशिप
कॉलेजेस है, स्कूलें हैं, उनकी पूरे नाम और उनका यूडाइस कोड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको यूडाइस कोड दिखेगा। हर यूडाइस कोड जो है अलग अलग स्कूल का अलग अलग होता है, जैसे अंजुमन का यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे अब जो है अंजुमन प्री मैट्रिक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे दिया गया है। अंजुमन पुसद की या डिग्रस की देखते हैं तो ये स्कॉलरशिप जो है यूडाइस कोड दिया गया है। इस तरीके से हमें करना है। उसके बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक कर कर जो है हमें नया स्कॉलरशिप भर सकते हैं। उसके लिए एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया जो दी गई यहाँ पे दिया गया है कि आप जो है प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक की क्लास के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है आपके पास में डोमेसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप पहले से 7वीं तक यानी पहले से 8वीं तक के हैं तो आपको जो है डोमेसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगे हैं, लेकिन अगर आप 7वीं के बाद यानी पहले से जो है 10वीं के बाद का अगर स्कॉलरशिप भर रहे हैं तो आपके लिए डोमेसाइल मैंडेटरी रहता है। ITI या फिर IIT के कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जो है नेशनलिटी डोमेसाइल होना ज़रूरी है। उसके बाद में आपका नेम, स्टूडेंट का नाम जो रिजल्ट पे होता है वही हमें डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपके पास में होना जरूरी है जहाँ पे ऑथेंटिकेशन मिलता है आपको, आइडेंटिफिकेशन डिटेल आपको डालनी है, आधार कार्ड, बैंक की पूरी डिटेल यानी बैंक पासबुक वगैरह आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन यानी फील्ड आपको फ्रेश फील्ड मिलती है। यहाँ पे हमें जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2018-19 के यहाँ पे आपको ऑप्शन ले लेना है। उसके बाद में यहाँ से हम स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद में यहाँ पे हमें प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप हमको लेनी है वो हम यहाँ पे लेते हैं, स्टूडेंट का नाम। उसके बाद में यहाँ पे स्कॉलरशिप या फिर इनोवेटिव स्कीम आपको चाहिए तो वो हम ले सकते हैं। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ स्टूडेंट की, जेंडर आपको वहाँ पे डालना होता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वो आपको मैंडेटरी है। उसके बाद में यहाँ पे रेड कलर आपको दिख रहा है, स्टार यहाँ पे रेड दिख रहा है यानी ये फील्ड को आपको फिलअप करना है। ये अगर फिलअप नहीं करते हैं तो आपको फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। IFSC कोड डाले बाद बैंक का IFSC कोड डबल से डालना है, बैंक अकाउंट नंबर फिर से बैंक अकाउंट नंबर डालना है, बैंक के अंदर में आपका नाम किस तरीके से है वो पूरा नाम है यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आधार नंबर है तो हम आधार यहाँ से लेकर आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और ये जो चेक मार्क हमको लगा देने हैं। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको एक OTP आ जाता है, वो OTP को आपको वहाँ पर डालना है और उसके बाद में फॉर्म जो है आपका आगे बढ़ेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमको जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म बनना है, सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करनी होती है। उसके बाद में जो है आपको जो है प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक आपको वहाँ पे लेना है। उसके बाद में स्टूडेंट का पूरा डिटेल वहाँ पे डाल देना है। उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में जो है आपको वहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना होता है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में आपका मोबाइल नंबर वहाँ डालना है, मोबाइल नंबर डालने के बाद में जो है आपको इस तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन है ईमेल आईडी, अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको आता है IFSC कोड यानी बैंक का IFSC कोड आपको वहाँ पे डालना होता है, जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसका IFSC कोड आप वहाँ पे डाल देंगे। और उसके बाद में IFSC कोड को जो है फिर से हमें डालना है क्योंकि वहाँ पे अगर गलती होती है तो IFSC कोड इसलिए डबल डालना है कि अगर आपको स्कॉलरशिप आने वाली है तो वो आपके ही अकाउंट में आएंगी, दूसरे जगह नहीं आएंगी, इसलिए जो है IFSC कोड आपको डबल डालना है क्योंकि अगर गलत डालते हैं तो दोबारा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर IFSC कोड डालने के बाद में अकाउंट नंबर भी जो है आपको डबल से डालना होता है। अकाउंट नंबर भी हम फिर से डालेंगे जैसा कि IFSC कोड यहाँ पे हम डालते थे, क्या है IFSC कोड वो देख लेंगे अपने बैंक पासबुक के ऊपर में। अगर पासबुक पे नहीं है तो आप जो है आपके चेकबुक पे देख सकते हैं, वहाँ पे आपको जो है IFSC कोड दिखाई देता है। वो IFSC कोड डालें जो आपका वहाँ पे बैंक पासबुक पे या फिर आपके चेकबुक पे दिया गया है। उसके बाद जो है अकाउंट नंबर आपको डालना होता है और अकाउंट नंबर भी आप प्रॉपरली डालें ताकि आप उस फॉर्म को सही तरीके से भर पाए। दोस्तों इस वीडियो को पूरा गौर से देखें क्योंकि यहाँ पे आपको बारीक से बारीक बातें बताई जा रही है ताकि आप जो है अच्छी तरीके से और सही तरीके से फॉर्म भर सके। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था NSP पोर्टल के ऊपर में, लेकिन 2018 के जो नए सेशन के लिए एक नया वीडियो ये मैं बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको ईजी प्रोसेस बताई जा रही है क्योंकि इस वेबसाइट के अंदर में कुछ चेंजेस हुए हैं, थोड़े बहुत लुक चेंज हुआ है। वहां पे हमने बैंक अकाउंट, बैंक IFSC कोड डालने के बाद बैंक अकाउंट नंबर भी डालना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है। तो जैसे हम IFSC कोड डालते हैं तो नीचे में आपको जो है बैंक का जो है डिटेल वहां पे आ जाएगा, बैंक का नाम वहां पे आ जाएगा, बैंक का अकाउंट नंबर आपको वहां पे डाल देना होता है और उसके बाद में जो है कैप्चा कोड आपको वहां पे दिखाई दे रहा है तो कैप्चा कोड आप वहां पे डाल देंगे, जो कैप्चा कोड आपके मोबाइल जो है साइड में दिखाई दे रहा है वो आपको डाल देना है। उसके बाद में जो है आपका आधार नंबर हमने डालना है, रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करना है, आधार नंबर आप प्रॉपरली डालें ताकि आपका जो फॉर्म है वो प्रॉपर सेट हो सके।
उसके बाद में चेक मार्क लगा देनी है आपको यहाँ पे। सारे चेक मार्क लगा के रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने रजिस्टर बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको जो है एक आईडी जनरेट हो जाएगा। उस आईडी को आपको कॉपी करके रखना है या फिर आप जो है उसे पेन से लिख के रख दें। उसके बाद में आईडी जो है आपको लॉगिन करना है, यानी फिर से लॉगिन बटन पर आपको आ जाएगा, या फिर आप लॉगिन पे क्लिक कर कर ये डायलॉग बॉक्स ला सकते हैं। और आईडी पासवर्ड डालने के बाद में लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसा कि आईडी पासवर्ड डाले बाद में कैप्चा कोड आपको डालना होता है, जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है। कैप्चा कोड डाले बगैर जो है आपका जो है अकाउंट ओपन नहीं होगा। फिर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने लॉगिन बटन पर क्लिक किया तो इस तरीके से एक ओटीपी आएगा आपके उस मोबाइल के ऊपर में जो मोबाइल नंबर आपने डाला था, यानी वो मोबाइल नंबर ही डाले जो आपके पास में अवेलेबल हो, वहीं पे आप जहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पे आपका रहना ज़रूरी है, या फिर वही मोबाइल नंबर डाले जो आपका जिसके ऊपर में ओटीपी आ सकता है। अगर आपके मोबाइल पे डीएनडी सर्विस चालू है तो उसे बंद कर दे। उसके बाद में ओटीपी डालने के बाद में इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पे हमें पासवर्ड नया पासवर्ड जनरेट करना होता है। तो नया पासवर्ड इस तरीके से डाल दे कि पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद में कुछ लेटर्स, उसके बाद में अल्फा कोई एक सिंबल, और उसके बाद में नंबर डालने के बाद में लॉग इन बटन पर क्लिक करना है। अब इस तरीके से लॉगिन बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको अप्लाई बटन आपको दिखाई दे रहा है, उस पर हमें क्लिक कर देना होता है। यानी जब हम अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपका जो है नया फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, यानी फॉर्म आपको वहाँ पे दिखाई देने लगेगा। उस फॉर्म पे हमें जाना है और पूरी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली भर देना है। पहले पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक हमने सेलेक्ट किया तो प्री मैट्रिक आ चुका है। उसके बाद में आपको जो है पूरी डिटेल डालनी है, मेल फीमेल मुस्लिम रिलीजन आपको वहाँ पर डाल देना है। रिलीजन डाले बाद में कैटेगरी जनरल में आप आते हैं तो जनरल आपने वहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद में फादर का नेम वहाँ पे लिखना होता है, फादर का नेम आप वहाँ पे डाल दें जो भी फादर का नेम है। और नेक्स्ट ऑप्शन है मदर का नेम, यानी मदर नेम जो भी आपका मदर नेम है बच्चे का वो आपको डाल देना होता है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है वहाँ पे आपको एनुअल इनकम, यानी फादर का एनुअल इनकम कितना है वो आपको डाल देना है। उसके बाद में आपको जो है नेक्स्ट ऑप्शन वहाँ पे मिलता है कि डे स्कॉलर है या फिर आप जो है पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो डे स्कॉलर आपको सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि रेगुलर कर रहे हैं आप। अब यहाँ पे जो है ये एक इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आप महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र ले लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद में आपको जो है इंस्टीट्यूट सर्च करने हैं तो यहाँ पे हम जो है गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट के ऊपर में क्लिक करेंगे। गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो कुछ देर एक प्रोसेसिंग हो, यहाँ पे यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के सारे इंस्टीट्यूट आ चुके होंगे। अब वहाँ पे जो है आपको स्कूल का नाम डालना है या फिर यूडाइस कोड आपको याद है तो वो डाल सकते हैं। अब जो है हमने यहाँ पे डाला क्रिसेंट स्कूल, क्रिसेंट में जो है आपका बच्चा जो प्री मैट्रिक में है तो आपने वहाँ पे वही लेना है। अगर हाई स्कूल है तो हाई स्कूल ले सकते हैं। हमने जो है नीचे का ऑप्शन लिया, सेलेक्ट बटन पर क्लिक कर दिया। सेलेक्ट बटन में क्लिक करने के बाद में कौन सी क्लास में आपका बच्चा है वो आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना होता है कि आपका बच्चा 8वीं में, 9वीं में, जो भी है आप 7वीं में, प्रीवियस क्लास आपको वहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में स्टार्टिंग ऑफ क्लास, यानी कब से आपका स्कूल स्टार्ट हुआ है वो आपको डालना होता है। जैसा कि वहाँ पे हम दिख रहे हैं कि 26/6/2018 से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद में आपको वहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन वहाँ पे मिलता है कि आपका बच्चा जो है पहले जो है 7वीं में था, अब 8वीं क्लास में आ चुका है, यानी लास्ट क्लास जो है उसका 8वीं क्लास वहाँ पे दिख रहा है, प्रीवियस क्लास वहाँ पे दिखा रहा है, प्रेजेंट क्लास वहाँ पे प्रॉपरली सिलेक्ट करना है। उसके बाद में परसेंटेज आपको डाल देना है जो भी आपके बच्चे का परसेंटेज है, और नीचे के कॉलम में आप कुछ ना भरे। उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ एडमिशन फीस वगैरह की डिटेल आपको वहाँ पर भर देनी होती है। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो है एडमिशन फीस जो भी बच्चे की है, पहले एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस और जो है उसकी जनरल फीस जो है वो आपको वहाँ पे लेनी होती है। वहाँ पे हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी स्कूल में आपने जमा किया है उतनी ही फीस डाले, ज़्यादा और कम ना डाले। बल्कि आप स्कूल से वो चार्ट बुला लें जहाँ पे आपको एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस वगैरह की डिटेल मिल सकती है। उसके बाद में मैरिटल स्टेटस वगैरह आपको सिलेक्ट करना होता है। ये जो ऑप्शन दी गए हैं डिसेबिलिटी है तो वो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है तो आप मैरिटल स्टेटस फादर का ले सकते हैं, बच्चे का अनमैरिड, और जो है फादर क्या करते हैं तो वहाँ पे प्रोफेशन आपको वहाँ पे डाल देना है अदर, और उसके बाद में सेव कैंडिडेट बटन पे क्लिक करना होता है। अगर आपने स्कूल की डिटेल गलत डाली है या फिर फीस गलत डाली तो फिर से आप प्रॉपरली डाल दें, एक बार उसको रीवेरीफाई कर ले कि हमने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो सही है। अगर उसमें कुछ गलती होती है तो स्कूल से रिजेक्ट हो जाएगा। फिर सेव बटन पर क्लिक करना है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद। जब हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है इस तरीके से आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे कुछ देर आपको रुकना है, यहाँ पे स्टेट आ चुका है। अब यहाँ पे स्टेट के बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपके बाद में तालुका
गांव जो है विलेज वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस डालना होता है, जो भी आप जिस जगह पे भी आप रहते हैं वो पूरा एड्रेस वहाँ पे डाल दें, ताकि आप जो है आपका जो फॉर्म है वो सही तरीके से, अगर उसके अंदर कुछ गलती रहती है तो आपको वेरीफाई हो सके, आपको इंस्टीट्यूट से फ़ोन आ सके। उसके बाद में प्री मैट्रिक आपने वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, आपने प्री मैट्रिक का स्टूडेंट है तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि प्री मैट्रिक में अगर 50,000 से कम इनकम है तो वो स्टूडेंट को कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, क्योंकि इसके टर्म्स और कंडीशन में लिखा गया है। आप जो वेबसाइट के ऊपर में जाकर पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। उसके बाद में सेव एज ड्राफ्ट बटन पर क्लिक करना होता है, कि जो हमने फॉर्म भरा है उससे पहले हम सेव कर दें कि सही तरीके से सेव किया है। सेव एंड ड्राफ्ट बटन पर जब हम क्लिक कर देंगे उसके बाद में फाइनल सबमिशन होता है। सेव एंड ड्राफ्ट बटन पर क्लिक करने के बाद में फाइनल सबमिशन बटन पर क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट बटन पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्रिंट आउट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ प्रिंट बटन पर क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें अगर कुछ कमी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं इस चैनल को तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और सेकंड टाइम देख रहे हैं तो लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। इसके अलावा भी हम बहुत सारे वीडियो डालते हैं। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।